जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ साईं बाबा व्रत महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। साईं बाबा व्रत का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस व्रत को करने के नियम भी अत्यंत साधारण है। साईं बाबा अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। उनकी कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मांगने से पहले ही वे सब कुछ दे देते हैं। उनके स्मरण मात्र से जीवन में आ रही बाधाओं से कमी होती है। कहा भी जाता है कि शिरडी वाले श्री साईं बाबा की महिमा का कोई भी और शोर नहीं है। साईं बाबा का पूरा विश्वास करने वालों को कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता है। साईं बाबा व्रत को कोई भी साधारण जन कर सकता है। यहाँ तक कि बच्चे भी इस व्रत को कर सकते हैं। साईं बाबा अपने भक्तों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। उनकी शरण में अमीर, गरीब या कोई भी वर्ग का व्यक्ति आए, उसकी कार्य सिद्धि अवश्य पूरी होती है। साईं बाबा व्रत एक बार शुरू करने के बाद नियमित रूप से 9 गुरुवार तक किया जाता है। इस व्रत को कोई भी व्यक्ति साईं बाबा का नाम लेकर शुरू कर सकता है। व्रत करने के लिए प्रातः स्नान करने के बाद साईं बाबा की फोटो की पूजा की जाती है। साईं बाबा की फोटो लगाने के लिए सबसे पहले पीले रंग का वस्त्र बिछाया जाता है। इस पर साईं बाबा की प्रतिमा या फोटो लगाई जाती है। इसे स्वच्छ पानी से पोंछकर इस पर चंदन का तिलक लगाया जाता है। साईं बाबा की फोटो पर पीले फूलों का हार चढ़ाना चाहिए। अगरबत्ती और दीपक जलाकर साईं बाबा की कथा पढ़नी चाहिए और साईं बाबा का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद बेसन के लड्डू का प्रसाद बांटा जाता है। इस व्रत को फलाहार ग्रहण करके किया जा सकता है या फिर एक समय में भोजन करके किया जा सकता है। इस व्रत में कुछ ना कुछ खाना जरूरी है। भूखे रहकर इस व्रत को नहीं किया जाता है। इस प्रकार व्रत करने के बाद 9 गुरुवार तक साईं बाबा के मंदिर जाकर दर्शन करना भी शुभ रहता है। घर के निकट साईं बाबा का मंदिर न होने पर घर में ही साईं बाबा की फोटो की पूरी श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। किसी भी स्थान पर हो, व्रत की संख्या 9 होने से पूर्व इसे मध्य में नहीं छोड़ना चाहिए। शिरडी साईं बाबा के चमत्कार। प्राचीन काल में ही धार्मिक आस्था में और पूजा उपासना में विश्वास करने वाला देश रहा था। यहाँ कई धर्म और वर्ग और संस्कृतियाँ अलग अलग होकर भी एक साथ रहती है। इसके साथ ही भारत में अनेक संत महापुरुषों ने जन्म लिया। कई संतों के द्वारा किए गए चमत्कार आज भी चर्चा का विषय रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा के चमत्कार की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। शिरडी के साईं बाबा पर देश के करोड़ों लोग का अगाध श्रद्धा है। सभी धर्मों के लोग यहाँ साईं बाबा दर्शन के लिए आते हैं। यही कारण है कि साईं बाबा संस्थान की प्रसिद्धि भी इसके साथ ही बढ़ती जा रही है। यह साईं बाबा का चमत्कार नहीं तो क्या है कि आज भी देश भर में बाबा के नाम पर छोटे बड़े 80,000 से अधिक मंदिर हो गए हैं। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।